चलिए नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। और इस नए कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने स्क्रीन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोड, मेमोरी और स्क्रीन। मान लीजिए हमने अपने कोड के अंदर लिख दिया इंट ए, तो इस स्टेटमेंट का क्या फर्क पड़ेगा बताइए? अगर मैंने कोड में लिख दिया इंट ए तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, आप जैसे ही लिखते हैं इंट ए तो इसका स्क्रीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी स्क्रीन के ऊपर इससे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। लेकिन मेमोरी पे इंपैक्ट पड़ेगा। मेमोरी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जैसे ही लिखते हैं आप इंट ए तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक स्पेस बन जाएगा, और स्पेस का नाम क्या होगा, ए। स्पेस किस तरीके से होगा? स्पेस कुछ इस तरीके से होगा। किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, यहां से पता लग रहा है। ठीक है, अब इंटीजर वैल्यू क्या होती है? इंटीजर वैल्यू जैसे 5, 7, 25, 39, 100, 159, कुछ भी इस तरीके की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जो पॉइंट में ना हो उसे हम कहेंगे इंटीजर वैल्यू। तो इस तरीके की वैल्यू यहां पर स्टोर हो सकती है। अभी मैंने कुछ स्टोर किया है क्या? अभी कुछ भी स्टोर नहीं किया, बस ये स्टोर कर सकता है। तो अगर मुझे स्टोर करानी है तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 5। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड को असाइन होती है, तो 5 किसे असाइन हो जाएगा, ए को। तो जैसे ही आप अपने कोड में ये लिखेंगे इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, स्क्रीन पे नहीं पड़ेगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा मेमोरी के अंदर, और मेमोरी में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 5। इस तरीके से। तो अगर अब मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमें पता है प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंटिफ। मैंने लिख दिया प्रिंटिफ। हमें पता है जो भी डबल कोट्स में हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैंने लिखा प्रिंटिफ हेलो तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें क्या करानी है, ए की वैल्यू। तो अगर मैंने यहां पर लिख दिया ए तो अब प्रिंटिफ से कहां इंपैक्ट पड़ेगा, मेमोरी पे नहीं पड़ेगा, स्क्रीन पे पड़ेगा। क्या वैल्यू प्रिंट करेगा ये, ए की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा बल्कि ए को खुद को ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी चीज डबल कोट्स में आप लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो अगर आपने इस कोड को रन किया तो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा सिर्फ ए, 5 नहीं, ए। अगर आप चाहते हैं ए की वैल्यू यानी ये 5 प्रिंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम स्पेशल सिंटेक्स यूज करते हैं, दैट इज परसेंटेज डी। इस परसेंटेज डी का मतलब है कि अब ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन किसकी करेगा वो हमें कॉमा लगा करके बताना पड़ता है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ए। तो अब ये क्या करेगा, जैसे प्रिंटिफ स्टेटमेंट ये रीड करेगा तो देखेगा परसेंटेज डी, तो समझ जाएगा कि कुछ इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है। तो किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है वो कॉमा के बाद देखेगा, यानी यहां पे लिखा हुआ है ए। अब ए प्रिंट नहीं करेगा, ए की वैल्यू दैट इज 5। तो इससे स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, यानी हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से क्लियर।